ये बॉर्डर मूवी देखा ही है ना आपने, जिसमें सनी पाजी के नेतृत्व में 120 इंडियन सोल्जर्स 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हरा देते हैं। मूवी देख के इतना मजा आया तो सोचो रियल स्टोरी जानने के बाद क्या लेवल की एनर्जी रहेगी। नहीं, अब हुआ क्या था असल मायने में कि 1971 के वॉर में पाकिस्तान को पता था कि वो ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया से बचा नहीं पाएगा। तब वो सोचता है कि राजस्थान के कुछ एरियाज को कब्जा करके वॉर के बाद इंडिया के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं राजस्थान के एरियाज को ईस्ट पाकिस्तान के बदले। तो प्लान बना के वो 2000 सैनिकों के साथ दर्जनों टैंक भेजता है राजस्थान के बॉर्डर टाउन लोंगेवाला पर हमला करने के लिए। पाकिस्तान का मानना था कि वो लोंगेवाल में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करेगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनको नाश्ता ही नसीब नहीं होगा, क्योंकि लोंगेवाल की सुरक्षा कर रहे थे 23वीं बटालियन के 120 वीर सिख सैनिक अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्होंने रात भर इनका जम के सामना किया और इनको ऐसी धूल चटाई कि ये भागने पर मजबूर हो गए थे।